हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल होम कुक सीक्रेट्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी जो सभी मॉम को बहुत पसंद आएंगी। अगर आपके बच्चे रोटी खाने से कतराते हैं या वेजिटेबल्स खाने से कतराते हैं तो दिस इज़ द राइट वीडियो फॉर यू। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बची हुई चपातीज के साथ में आप किस प्रकार से वेजिटेबल कटलेट्स बना सकते हैं। बची हुई रोटियों से बनने वाली इस टिक्की की रेसिपी बेहद आसान है और झटपट बनके तैयार होती है। तो आइए देखते हैं ये लेफ्ट ओवर चपाती कटलेट्स के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 चपाती ली हैं जो हमारी आफ्टरनून में बनने के बाद में एक्स्ट्रा थी और बच गई थी। आप ताज़ी चपाती से अगर इस रेसिपी को बनाना चाहेंगे तो कम से कम 1 घंटे के बाद में, जब आपकी चपाती एकदम ठंडी हो जाए तभी इस रेसिपी को ट्राई करें। उसके बाद मैंने एक बड़े पोटैटो का इस्तेमाल किया है, ये उबला हुआ है और इसको हमने कद्दूकस कर लिया है। एक प्याज बारीक कटा हुआ, यहाँ पे हमने धनिया पत्ती लिए हैं बारीक कटे हुए, आधी शिमला मिर्ची बारीक कटी हुई, 2 चम्मच या 1 से 1.5 चम्मच हमने उबले हुए मटर का इस्तेमाल किया है, फिर हमने लिया है फाइनली चॉप्ड हमने गाजर ली है और कुछ हरी मिर्ची लिए हैं। आप चाहें तो इसमें अदरक और लहसुन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ हमने ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है, इसे बनाना बेहद आसान है। 6 से 7 स्लाइसिस को टोस्टर में 10 सेकंड के लिए गर्म करें, उसके बाद में इसे पंखे के नीचे 5-7 मिनट के लिए छोड़ दें। ब्रेड को सूखने के बाद में ग्राइंडर जार में डाल के फाइन ग्राइंड करें, आपके ब्रेड क्रम्स बनके तैयार हो जाएंगे। मसाले में हमने लिया है स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, मामूली सा गरम मसाला डालेंगे और डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्चें। उसके बाद में हमने कटलेट्स को बनाने के लिए लिया है 3 बड़े चम्मच मैदा, जिसका हम पानी के साथ मिक्स करके घोल बनाएंगे कटलेट को बनाने के लिए। और लिया है हमने कढ़ाई में 1/2 लीटर तेल इस कटलेट्स को फ्राई करने के लिए, जिसे आप शैलो फ्राई या डीप फ्राई अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम कटलेट्स को बनाने के लिए सबसे पहले इन चपातियों को हम मिक्सी में डाल करके अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ हमने चपाती के पीसेस करके जो ग्राइंडर जार में डाल लिया है। हमें इसका पाउडर नहीं बनाना है, लेकिन थोड़ा दरदरा पेस्ट इसका हम बनाएंगे, तो इसे अब हम मिक्सी करेंगे। ये देखिए, ये चपाती एकदम दरदरी हो चुकी है, सूजी से काफ़ी मोटी है और इसको बहुत ज़्यादा बारीक कर देंगे तो कटलेट अच्छे नहीं बनेंगे। अब हम इसमें सभी चीज़ें मिलाएंगे। सबसे पहले हम इसमें डालने जा रहे हैं पोटैटो, प्याज, हरा धनिया पत्ती, शिमला मिर्ची, मटर और गाजर। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पहले हम इसमें सभी मसाले मिलाएंगे। यहाँ हमने इसमें आधी छोटी चम्मच 1/2 टीस्पून काली मिर्ची डाली है और इसमें अब हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। ये 1 टीस्पून से मामूली सा कम नमक है, आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और हरी मिर्च भी अपने कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 टीस्पून जितनी हरी मिर्च ले ली है, क्योंकि स्पाइसी खाना हमारे यहाँ सभी को बहुत पसंद है। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून से भी कम गरम मसाला पाउडर, आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और अब हम सभी चीज़ों को मिला के एक अच्छा सा डो बना लेंगे। अगर आपके पास में इंस्टेंटली इस कटलेट को बनाना है और आलू नहीं हुए तो आप इसमें मामूली सा दूध डाल सकते हैं। दूध डालने से भी ये रोटी का जो चूरा है ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरीके से बाइंड होगा। यहाँ हमने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लिया है, लेकिन ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाए और खुले ना, इसके लिए हम इसमें मामूली सा दूध डालेंगे। इसमें 1 चम्मच जितना हमने दूध है स्प्रिंकल कर लिया है और इसे अब हम अच्छे से टिक्की का शेप देते हुए इसके बराबर आकार के टिक्की बना लेंगे। इस टिक्की को बनाने के लिए हथेलियों के बीच में थोड़ा सा ऑयल लगा के हाथों को ग्रीस कर लें और जिस आकार का आपको कटलेट या टिक्की पसंद हो उतना डो ये हाथ में उठाएं और दोनों हथेलियों के बीच में पूरे प्रेशर को देते हुए रोल करें, जिससे कि ये चारों तरफ से बॉल अच्छे से सील हो जाए। और पहले इसे रोल करते हुए अच्छे से फिर सेंटर में इसको प्रेस करके टिक्की का आकार दें, जैसे आलू की टिक्की हम बनाते हैं या बर्गर के लिए बनाते हैं, उसी तरह से देखिए ये टिक्की हमारी इस तरह से दिखेगी। और ये बहुत ही डिलीशियस स्नैक है, बच्चों के लिए हेल्दी भी है और बच्चों को बनने के बाद में बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि आप उन्हें रोटी और सब्जी खिला रहे हैं। इस तरह से सभी टिक्कियों को बना करके तैयार करेंगे।
ये देखिए सभी टिक्कियाँ बनकर के एकदम तैयार हो चुकी हैं और अब हम इनका घोल तैयार कर लेते हैं। इस मैदा के घोल को बनाने के लिए हम पहले इसमें थोड़ा ही पानी डालेंगे, एकदम ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, और इसके लम्प्स को अच्छी तरह से रिमूव करने के बाद में हम इसमें पानी डाल के थोड़ा से पतला करेंगे। मैदा थोड़ा कम है, इसमें हमें मैदा और डालना होगा। यहाँ हम 2 बड़े चम्मच मैदा एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, जिसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन करेंगे, और थोड़ा पानी डाल के इसके सारे लम्ब्स को रिमूव करेंगे। ये आप देख सकते हैं अब इसमें लम्ब्स नहीं है बिल्कुल भी, और अब हम इसमें और पानी डाल के एक पतला घोल बना लेंगे, जिसमें हम हमारी टिक्कियों को अच्छी तरह से कटलेट्स को डिप कर पाएँ। ये देखिए ये इस कंसिस्टेंसी का घोल हमें चाहिए। अब हम इसमें टिक्की को डिप करना शुरू करेंगे। एक टिक्की को लेंगे, घोल ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए, बस पतला घोल चाहिए, जिससे कि ब्रेड क्रम्स जो हैं इसके ऊपर अच्छी तरीके से सेट हो जाएं। और इस टिक्की को अब हम ब्रेड क्रम में लपेट के डीप फ्राई करेंगे। तेल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, और हल्के हाथ से कटलेट को उठाएंगे और ब्रेड क्रम के ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स इस प्रकार से हम स्प्रिंकल करना है। चारों तरफ ब्रेड क्रम्स जो है ये इक्वली सेट हो जाने चाहिए, और ऊपर से भी दबाते हुए, और एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स को भी हमें अलग करना ज़रूरी है। ये इस तरह से देखिए, ये हमारा कटलेट बिल्कुल तैयार है। बाकी सभी कटलेट्स को भी इस तरह से प्रिपेयर करेंगे। ये हमारे सभी कटलेट्स तैयार हैं, और अब हम इन्हें एक एक करके डीप फ्राई करने से पहले ऑयल का टेम्परेचर देख लेंगे कि ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो। ये ऑयल हमारा एकदम रेडी है, और एक एक करके हम इस कटलेट को हल्के हाथ से डालेंगे, और मीडियम आंच के ऊपर हमें इन कटलेट्स को फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए, और कटलेट के एक तरफ से सिक जाने के बाद में ही हम इसे अच्छे से पलटेंगे। हल्का सा तेल इस पर स्प्रिंकल कर देंगे, ताकि हमारे ब्रेड क्रम्स जो हैं ये ऑयल में वापस ना आए। इस तरह से देखिए, फ्लेम को हमने बीच में थोड़ा सा तेज़ कर दिया था, जिससे कि हमारे कटलेट्स जल्दी हो जाएं, और ये हमने दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लिए हैं। इसी तरह से सभी को सेक करके हम सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे कटलेट बनके तैयार हुए हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं और बहुत ही गोल्डन हुए हैं। कोई देख कर इन्हें कह नहीं पाएगा कि आपने चपाती से बनाए हैं, तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। और इन कटलेट्स को अब हम एक पेपर नैपकिन के ऊपर निकालेंगे। तो देखिए हमारी रेसिपी बनकर के बिल्कुल तैयार है। ये कटलेट्स बहुत ही डिलिशियस, सुपर डिलिशियस बने हैं। एक कटलेट को हम आपको कट भी करके दिखाना चाहेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा करारे हैं, कुरकुरे हैं, और अंदर से भी बहुत ही अच्छे सिक चुके हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल कटलेट्स बन के तैयार हुए हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में दबाएं बेल का आइकन, जिससे आपको हमारी सभी नोटिफिकेशंस बराबर मिलती रहें। और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, एंड डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू नेक्स्ट टाइम।